राजनीति विज्ञान विषय में आज हम प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, सहायक अध्यापक नागरिक शास्त्र, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, यूजीसी नेट, स्टेट सेट और ऐसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का। इसके विकल्प हैं समर्थक है, दूसरा है विरोधी है, तीसरा है न तो विरोधी है और न समर्थक है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की बात करते हैं तो ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है वह एकलवादी है और बहुलवादियों ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोध किया है। इसलिए यहाँ पर विकल्प ख बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न है पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस किसने लिखी है। इसके विकल्प हैं जे रूसो, हॉब्स, जॉन लॉक, जर्मी बेंथम। इसका सही उत्तर है जे रूसो। जे रूसो ने डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने कला और विज्ञान की प्रगति से किस तरह से मानव का जीवन त्रस्त हुआ है या मानव को उससे किस तरह से नुकसान पहुंचा है उसके बारे में बताया है। जे रूसो प्राकृतिक सिद्धांतों के समर्थक थे और उन्होंने प्रकृति की ओर लौटो का नारा भी दिया था। यहाँ पर विकल्प को सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके विकल्प हैं पहला है उदारवादी विचारकों के अनुसार राज्य का आवश्यक बुराई है, दूसरा है अरस्तु के अनुसार व्यक्ति एक आर्थिक जानवर है, तीसरा है प्रौधो के अनुसार संपत्ति चोरी है, चौथा अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित माना है। जब हम बात करते हैं उदारवादियों की तो उदारवादियों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई बताया है, यह बिल्कुल सही कथन है। जब हम बात करते हैं प्रौधो की तो प्रौधो ने संपत्ति को चोरी कहा है, यह कथन भी सही है, यानी कि यहाँ पर क और ग दोनों सही हैं। जब हम बात करते हैं अरस्तु की तो अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित माना है, यह भी सही है। जब हम अरस्तु के व्यक्ति के बारे में विचारों की बात करते हैं तो अरस्तु ने कभी भी व्यक्ति को आर्थिक जानवर नहीं कहा है, अरस्तु ने व्यक्ति को एक सामाजिक और राजनीतिक जानवर के रूप में बताया है। यहाँ पर विकल्प ख इसका सही उत्तर होगा कि अरस्तु ने व्यक्ति को एक आर्थिक जानवर नहीं कहा है, ये सही है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसके विकल्प हैं पहला है राजनीति विकास लुशियन पाय, दूसरा है नागरिक संस्कृत सिडनी वर्मा, तीसरा आगत निर्गत मार्गेंथाउ, चौथा राजनीतिक आधुनिकरण एडवर्ड सेल्स। जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लुशियन पाय ने राजनीतिक विकास के बारे में सिद्धांत दिए हैं, वहीं सिविक कल्चर यानी कि नागरिक संस्कृति की बात सिडनी वर्मा ने की है, लेकिन आगत निर्गत मॉडल मार्गेंथाउ का नहीं है, आगत निर्गत मॉडल डेविड ईस्टर ने दिया है और राजनीतिक आधुनिकरण एडवर्ड सेल्स ने दिया है। इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आगत निर्गत मार्गेंथाउ सुमेलित नहीं है सही है। अब हम पांचवें प्रश्न को देखेंगे वर्ष 1991 की पूर्व की ओर देखो नीति का नया रूपांतरण रूप क्या है। इसके विकल्प हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इग्नोर ईस्ट पॉलिसी, प्रो ईस्ट पॉलिसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने पूर्व की ओर देखो नीति यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया था, वहीं 2015 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू किया है। यहाँ पर विकल्प को इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है। इसके विकल्प हैं द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, चौथा है दास कैपिटल। जब हम पुस्तकों को देखते हैं तो द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ये तीनों ही पुस्तक जो हैं कार्ल मार्क्स ने लिखी है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक हीगल ने लिखी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ख द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक हीगल के द्वारा लिखी गई है। सातवां प्रश्न है निम्न में से कौन अराजकतावादी नहीं है। इसके विकल्प हैं इमैनुअल कांट, बाकुनिन, प्रोधो, क्रॉप्टकिन। इसका सही उत्तर है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट आदर्शवादी विचारक हैं, जबकि बाकुनिन, प्रोधो और क्रॉप्टकिन ये तीनों ही अराजकतावादी विचारकों की श्रेणी में आते हैं। आठवां प्रश्न है संवैधानिक सरकार का अर्थ है। इसके विकल्प हैं लोकप्रिय सरकार, बहुदली सरकार, सीमित सरकार, विधानमंडल द्वारा सरकार। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है
लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि सीमित सरकार, यहाँ पर विकल्प ग इसका सही उत्तर है। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक है, यानी कि जो संप्रभुता सोवरनिटी का पुलिस्टिक थ्योरी आई थी वह सबसे पहले किसने प्रतिपादित की थी, किसके विचारों में स्पष्ट हुई थी। इसके विकल्प हैं एजे लास्की यानी कि हैरोल्ड लास्की, दूसरा है जया बौदा, तीसरा है मैकाइबर, चौथे ऑटो वान गियर्क ग्रियर्क। इसका सही उत्तर है ऑटो वान गियर्क। ऑटो वान गियर्क और मैटलैंड दो ऐसे विचारक थे जिन्होंने सबसे पहले संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को चुनौती दी थी। यहाँ पर विकल्प घ इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न की आप व्याख्या भी देख सकते हैं, ऑटो वान गियर्क और मैटलैंड सर्वप्रथम इन्होंने ही संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को चुनौती दी थी। दसवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही हित किस भाषा का प्रयोग मान्य है। इसके विकल्प हैं अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं को। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के क्लॉज 1 को देखते हैं तो उसमें अंग्रेजी भाषा को उच्चतम और उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए मान्य घोषित किया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प क अंग्रेजी भाषा जो है वह उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के लिए प्रयोग मान्य भाषा है। विकल्प क इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के क्लॉज 1 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करें, यानी कि जब तक कोई और उपबंध ना हो तब तक अंग्रेजी भाषा ही वहां पर रहेगी। 11वां प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसके विकल्प हैं एमपी पाइली, केसी वियर, भीमराव अंबेडकर, अलेक्जेंडर विक्स। इसका सही उत्तर है केसी वियर। केसी वियर ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वह अधिक लचीले और अधिक कठोर के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इस तरह से कुछ परिभाषाएं जो आपको याद रखनी है। केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक भी कहा था और यह भी कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 12वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। अब यहाँ पर विकल्प है, पहला है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, दूसरा है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, तीसरा एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, चौथा है मृत्युदंड। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को देखते हैं तो अनुच्छेद 21 अपने आप में बड़ा ही व्यापक अनुच्छेद है जिसमें मानवाधिकार से संबंधित अधिकांश अनुच्छेद हमको वहां पर मिल जाते हैं। वहां पर पानी की गुणवत्ता को लेकर, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को लेकर, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देने जैसी बातें लिखी गई हैं या वो स्पष्ट होती हैं उसके अनुच्छेदों से, क्योंकि वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। लेकिन उसमें कहीं पर भी मृत्युदंड का अधिकार या मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान नहीं है, इसलिए विकल्प घ इसका सही उत्तर है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। 13वां प्रश्न है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। इसके विकल्प हैं कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, नाममात्र की संप्रभुता। जब हम जनता को सर्वोच्च मानने वाली संप्रभुता की बात करते हैं तो वह है पॉपुलर सोवरेनिटी यानी कि जन संप्रभुता, जिसे हम लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं। यहाँ पर विकल्प ग जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है, इसे हम लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं। 14वां प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है। इसके विकल्प हैं वितरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय, प्रत्यात्मक न्याय, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। जब हम जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को देखते हैं तो उनके न्याय सिद्धांत को हम प्योर प्रोसीजरल जस्टिस यानी कि शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहते हैं। तो जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। यहाँ पर विकल्प घ इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, विचारधारा को मिथ्या चेतना यानी कि फॉल्स कॉन्शियसनेस किसने कहा। इसके विकल्प हैं लेनिन, मिखाइल गोर्बाचोव, फ्रांसिस फुकुयामा, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो शासक वर्ग द्वारा
अपनी विचारधारा को अपने निहित स्वार्थों के लिए जो प्रतिबंधित करता है वह उसे मिथ्या चेतना के रूप में व्यक्त करता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर है। जैसे हम राजनीतिक दलों में देखते हैं, जिसकी सरकार होती है वह अपनी विचारधारा को इस तरह से प्रदर्शित करने की कोशिश करता है ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाए और लोगों को लगे कि यही सही है। आज आप राजनीतिक परिदृश्य को देख रहे हैं जहां पर धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मिथ्या चेतना शासक वर्ग द्वारा विकसित की जा रही है और यह मिथ्या चेतना के द्वारा लोग झांसे में आकर राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। तो यहाँ पर विकल्प घ कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा था। इसकी आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार विचारधारा शासक वर्ग के निहित स्वार्थों को प्रतिबिंबित करती है, यानी कि जो हमारा शासक वर्ग है यदि आपको धर्म के नाम पर कहता है मुझे वोट दीजिए, मैं इस धर्म का हूँ, मैं आपके धर्म की बात करता हूँ, आपके धर्म का हित चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आपके धर्म की नहीं बल्कि अपने निहित स्वार्थों के लिए आपको ये बात कह रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि यही मिथ्या चेतना है, ये किस तरह से जो है आपको मिथ्या चेतना में भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। 16वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? इसके विकल्प हैं हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपलबी, हेनरी फ्योल, सर जोसिया स्टाम। इसका सही उत्तर है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताओं का समर्थन किया, वो दोनों को एक ही मानते हैं, जबकि हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टाम्प जो है वह लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद करते हैं। 17वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई? इसके विकल्प हैं 2001, 1945, 2007, 2005। इसका सही उत्तर है 2005। 2005 में पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। इसकी आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना वर्ष 2005 में महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र के एक नए अंतर सरकारी सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, जो संघर्ष से उभर रहे देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। 18वां प्रश्न है, शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसके विकल्प हैं मार्शल योजना से, आर्थिक नाकेबंदी का सिद्धांत से, प्रतिबंध की नीति से, और चौथा है एक सैनिक रणनीति के संबंधित सिद्धांत है। जब हम शीत युद्ध के दौरान जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की बात आई थी वह एक सैनिक रणनीति से संबंधित सिद्धांत है, जो यह कहता है कि आज विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनके पास परमाणु हथियार हैं और यदि कोई किसी पर हमला करता है तो उसका जवाब किस तरह से दूसरा देश दे सकता है उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है और हमला करने वाले देश को कितना नुकसान होगा उस अनुमान उसकी कोई भी भरपाई नहीं की जा सकती है, यही म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। इसकी आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। यह इस धारणा पर आधारित है कि एक महाशक्ति द्वारा किए गए परमाणु हमले का जवाब भारी परमाणु पलटवार से दिया जाएगा जिससे हमलावर और रक्षक दोनों को भारी नुकसान होगा, यानी कि कहीं ना कहीं नाभिकीय अटैक से संबंधित विचारधारा है। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? इसके विकल्प है संसद को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा है न्यायपालिका को, चौथा है प्रधानमंत्री को। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वह मूल अधिकारों का संरक्षक यानी कि अभिभावक मानी जाती है। विकल्प ग इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, संसद और संविधान किसके उपकरण है, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसके उपकरण है? इसके विकल्प है राजनीतिक न्याय के, दूसरा है आर्थिक न्याय के, तीसरा है सामाजिक न्याय के, चौथा है कानूनी न्याय के। जब हम संसद और संविधान की बात करते हैं तो ये दोनों ही लीगल जस्टिस यानी कि ये कहीं ना कहीं इनका आधार कानूनी है, क्योंकि तो अगर हम संविधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो कानूनी न्याय के तहत हमें न्यायपालिका न्याय दिला सकती है, यानी कि ये कानूनी न्याय के अंतर्गत आते हैं और ये संसद और संविधान के कानूनी उपकरण हैं। 21वां प्रश्न है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है? इसके विकल्प है संसद में दो दलों का बहुमत, दूसरा है संसद में एक दल का बहुमत, तीसरा है संसद में तीन दलों का बहुमत, चौथा है संसद में किसी भी दल का बहुमत नहीं। जब हम त्रिशंकु संसद की बात करते हैं तो चुनाव के बाद जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसे हम खंडित जनादेश भी कहते हैं, और संसद में यदि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उसे हम त्रिशंकु संसद कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प घ सही उत्तर है।
22वां प्रश्न है, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इसके विकल्प हैं कानूनी न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा सामाजिक न्याय, चौथा है राजनीतिक न्याय। अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय है। जाति के आधार पर जिस तरह से भीमराव अंबेडकर को समाज ने त्रस्त किया और उन्हीं की जाति के अन्य लोगों को भी समाज ने जिस तरह से बहुत पिछला हुआ माना और उन्हें समाज में कोई स्थान नहीं दिया, इसलिए अंबेडकर के मन में भावना थी कि सबसे पहले हमको सामाजिक न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। यहाँ पर विकल्प को सामाजिक न्याय अंबेडकर की सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। 23वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसके विकल्प हैं उदारवाद, फांसीवाद, अराजकतावाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं तो यह कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प घ उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद को जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स के समाजवाद को हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? इसके विकल्प हैं राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कार्ल मार्क्स, रूसो। इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को हम क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद को खाने के लिए क्रांति को महत्वपूर्ण माना है। 25वां प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई है। इसके विकल्प हैं सरकारों के अध्ययन की, दूसरा है संविधान की तुलना की, तीसरा है संस्थाओं के वर्णन की, चौथा अनुभाविक संस्थाओं की। जब हम तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच को देखते हैं तो वहां पर सरकारों का अध्ययन हुआ है, संविधानों का अध्ययन हुआ है, संस्थाओं के वर्णन की तुलना हुई है, लेकिन वहां पर अनुभाविक एम्पिरिकल स्टडी या एम्पिरिकल रिसर्च की बात नहीं की गई है, इसलिए विकल्प घ अनुभाविक अनुसंधान जो है वह पारंपरिक उपागमों में के द्वारा उपेक्षा उसकी की गई है। विकल्प घ इसका सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है, किसने कहा कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? इसके विकल्प हैं टीएस ग्रीन, जॉन लॉक, एच जे लास्की, बोसांकी। यह प्रसिद्ध कथन बोसांकी का है। बोसांकी ने कहा है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। विकल्प ख बोसांकी इसका सही उत्तर है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनसे संबंधित प्रावधान है। पहला है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, यह भी बिल्कुल सही है। विकल्प घ है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, यह गलत है। अनुच्छेद 23 में जो है शोषण से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से और निरोध से संबंधित संरक्षण दिया गया है, इसलिए विकल्प घ यहाँ पर सही नहीं दर्शाया गया है। इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण से है प्रावधान दिए गए हैं। 28वां प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देता है? इसके विकल्प हैं मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुलवादी। सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस की अवधारणा पर जो मार्क्सवादी हैं वो ज्यादा बल देते हैं। उनका मानना है कि समाज में हर वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए, हर वर्ग खुशहाली का जीवन जिए, यही आधार होना चाहिए। ये कम्युनिस्टों की यानी कि मार्क्सवादियों की विचारधारा है। 29वां प्रश्न है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? इसके विकल्प हैं शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष के तनाव का अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में शक्ति यानी कि पावर को ज्यादा महत्व दिया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प को शक्ति का अध्ययन कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। 30वां प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, दूसरा है इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तीसरा है यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, चौथा इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ था। जब हम इन विकल्पों को देखते हैं तो जो नीति आयोग है उसने योजना आयोग को रिप्लेस किया है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना है। दूसरा,
जो नीति आयोग है वह कॉपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात आती है इसके अध्यक्ष की, तो नीति आयोग का अध्यक्ष पूर्णकालिक नहीं होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वह पदेन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद जो है वो पूर्णकालिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल तक रहेंगे, जब तक उनको बहुमत है तब तक रहेंगे, जब अगले साल कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो उसमें वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर विकल्प ख इसका सही उत्तर है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं दर्शाया गया है। इसलिए यहाँ पर विकल्प ख इसका सही, इसकी व्याख्या दे सकते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। 31वां प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? इसके विकल्प हैं, राष्ट्रीय संकट के समय, दूसरा है संसदीय स्वीकृति के पूर्व, तीसरा है संसदीय स्वीकृति के बाद, चौथा है व्यय नहीं करते हैं। जब हम आकस्मिकता निधि की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 जो है वह आकस्मिकता निधि से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह संसदीय स्वीकृति से पूर्व जो है कोई अत्यावश्यक या आकस्मिक प्रकृति का व्यय कर सकते हैं। यहाँ पर विकल्प क संसदीय स्वीकृति से पूर्व इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या दे सकते हैं, अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया गया है। 32वां प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दासता यानी कि जो स्लेवरी है वह क्या है? पहला है दैवी दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, दूसरा है अप्राकृतिक और अस्थायी है, तीसरा है प्राकृतिक और दैवी है किंतु निंदनीय है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों को पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा था कि जो दास्ता है वह प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है और लाभप्रद है, यह दासों के लिए और स्वामियों के लिए दोनों के लिए लाभप्रद है। इसलिए यहाँ पर विकल्प घ उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक और लाभप्रद है। 33वां प्रश्न है, एक संतुष्ट सुवर से एक असंतुष्ट सुकरात का होना या का जीवन श्रेयकर है, यह कथन किसका है? इसके विकल्प हैं, बेंथम के सुकवाद का, दूसरा जेस मिल के व्यक्तिवाद का, तीसरा अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन का, चौथा अधिकतम लोगों की गणतंत्रवादी संख्या का। जब हम एक संतुष्ट सुवर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयकर की बात करते हैं तो यह जेस मिल का कथन है और जेस मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है। बेंथम जेरेमी बेंथम ने कहा था कि जो सुख है वह किसी भी प्रकार से मिले हमको उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन जेस मिल कहते नहीं, सुख जो है वह नैतिकता के आधार पर निर्धारित होते हैं, कुछ सुख उच्च कोटि के होते हैं, कुछ सुख निम्न कोटि के होते हैं। तो जेस मिल ने सुखों की तुलना करते हुए कहा है कि एक संतुष्ट सुवर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयकर है। 34वां प्रश्न है, यहां पर सही मिलान करना है, सूची 1 में परंपरावत उदारवाद, उदारवादी आदर्शवाद, हीगलवादी आदर्शवाद, मार्क्सवाद दिया है और उनसे संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो सूची 2 में दी हैं। जब हम बात परंपरागत उदारवाद की कहते हैं तो वह आवश्यक राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं, आवश्यक है बुराई है। जब हम उदारवादी आदर्शवाद को देखते हैं तो वह आदर्शवाद कहता है राज्य आवश्यक भलाई है, इस बारे बात करता है। जब हम हीगलवादी आदर्शवाद को देखते हैं तो हीगल भी आदर्शवादी है, वह नैतिकता और विधि को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए नैतिकता और विधिकता की अभिव्यक्त करता है। जब हम मार्क्सवादियों को देखते हैं तो वे राज्य को एक उत्पीड़क संस्था के रूप में देखते हैं। इस तरह से 3, 2, 4, 1 इसका सही कोट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 35वां प्रश्न है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया, इसके विकल्प हैं, सामाजिक सुधारों के लिए, दूसरा है निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए, तीसरा है विचार अभिव्यक्ति भाषण लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए, चौथा है निशुल्क शिक्षा के लिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो उदारवाद है, लिबरलिज्म है, वह विचार की अभिव्यक्ति की भाषण की लेखन की प्रकाशन की स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ पर विकल्प को इसका सही उत्तर है, क्योंकि उदारवाद चाहते हैं कि एक मुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर लोगों को बोलने का, विचार रखने का, भाषण का, अपने लेखन का, प्रकाशन का पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, विकल्प को इसका सही उत्तर है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसके विकल्प हैं, पहला भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, तीसरा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, चौथा लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। जब हम भारत की संचित निधि पर भारित की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते, ये भारत की संचित निधि पर
भारित होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता उपराष्ट्रपति के नाम का नहीं मिलता है, वह उसे जो राज्यसभा है उसके सभापति होने का दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प ख इसका सही उत्तर है। स्पष्ट क्या व्याख्या दे सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के, इसका याद रखना। 37वां प्रश्न है, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? इसके विकल्प हैं जेल, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, संचार व्यवस्था। पैन ऑप्टिकन की व्यवस्था जो दी थी वह जेरेमी बेंथम के द्वारा दी गई थी और यह व्यवस्था जेल की व्यवस्था से संबंधित थी। यहाँ पर विकल्प को पैनऑप्टिकन, कई बार आप इन दोनों को एक साथ जोड़ के देखेंगे पैनऑप्टिकन कहा जाता है और अलग अलग कहने पर उनको पैन ऑप्टिकन कह सकते हैं। तो पैनऑप्टिकन आपकी किताबों में लिखा होगा, तो यह व्यवस्था जेरेमी बेंथम ने दी है कि किस तरह से जेल की व्यवस्था होनी चाहिए और जेल जो है वह सुधारात्मक होनी चाहिए, व्यक्ति को दंडात्मक नहीं। जेल को जेरेमी बेंथम कहते हैं कि उनको सुधारात्मक रूप पाना चाहिए ताकि व्यक्ति को वहां सुधारा जा सके। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? पहला है दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, दूसरा दल प्रणाली व्यक्ति की व्यक्तित्व को नष्ट करती है, तीसरा दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं, चौथा दल सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं। जब हम दल प्रणाली पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, बिल्कुल सही है। दल व्यक्ति की व्यक्तित्व को नष्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। जो दल प्रणाली होती है, जैसे आप भारत में देख सकते हैं जो बीजेपी वाले हैं वो बीजेपी की बात करते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत विचार बिल्कुल एक किस्म से समाप्त हो जाता है, उनको फिर अपनी पार्टी की ही बात करनी है। कांग्रेस की पार्टी के लोग होते हैं वो कांग्रेस की तारीफ करते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत विचार नष्ट हो जाता है। तो यानी कि दल प्रणाली व्यक्ति की जो व्यक्तिगत बातें होती है या व्यक्तित्व होती है उसको नष्ट कर देती है। दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल दल आर्टिफिशियल विभेद उत्पन्न करते हैं ताकि उनके हित, वो अपने हितों को साध सकें, अपनी तारीफ करेंगे दूसरे के लिए जो है आर्टिफिशियल इस तरह से बातें उनकी निकलेंगी ताकि लोग उस दल से नफरत करेंगे। तो ये तीनों बातें दल प्रणाली से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर विकल्प घ, दल सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं, यह सही नहीं है। यहाँ पर विकल्प घ, दल सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं, यह सही नहीं है। बाकी उपरोक्त कथन क, ख, ग ये तीनों सही है, इसलिए विकल्प घ इसका सही उत्तर है। उनतालीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है? इसके विकल्प हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हों। जब हम संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं तो संयुक्त अधिवेशन कभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में और संविधान संशोधन में नहीं होता है, धर्म विधेयक पर भी नहीं होता है, केवल सामान्य विधेयकों पर होता है। तो यहाँ पर विकल्प घ, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ये एक हद तक सही उत्तर है। और इसमें भी अगर ये लिखा होता कि सामान्य विधेयक हो तो ये कहीं और अधिक इसका सही उत्तर होता। इस तरह से यहाँ पर विकल्प घ इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? इसके विकल्प हैं राज्यसभा में, दूसरा है पहले लोकसभा में, तीसरा दोनों में से संसद के एक पटल पर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम बात करते हैं कानूनी विधेयक पर, तो कानूनी विधेयक संसद के किसी भी पटल पर, यानी कि दोनों में से संसद के किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि उसे पहले राज्यसभा में या पहले लोकसभा में रखना है। जब हम धन विधेयक की बात करते हैं तो पहले लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में आता है, लेकिन जब हम कोई और कानूनी विधेयक की बात करते हैं तो वह किसी भी सदन में जा सकता है धन विधेयक को छोड़ करके। 41वां प्रश्न है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? इसके विकल्प हैं सर्वोच्च न्यायालय, राज्य विधानमंडल, नीति आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान की तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन विषयों के अतिरिक्त जो है वो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 कहता है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। इसलिए यहां पर विकल्प घ, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ सकते हैं, प्रश्न को आप देख लीजिए, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय, राज्य विधानमंडल,
नीति आयोग उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पर भारत की संसद लिखा होता तो ये सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है तो ये सही उत्तर है। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियों का प्रावधान है, इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को है। 42वां प्रश्न है, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है, यानी कि वह कौन सा विचारक है जिसकी रचनाओं में हम सबसे बेहतरीन उदारवादी विचारधाराओं को या अवधारणाओं को देखते हैं। इसके विकल्प हैं जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, बोशांके, नॉर्मन एंजल्स। इसका सही उत्तर है जॉन लॉक। जॉन लॉक को हम उदारवाद का जनक भी कहते हैं, और जितने बेहतरीन तरीके से जॉन लॉक ने उदारवादी विचारधाराओं को बताया है, समझाया है, उतना किसी और विचारक ने नहीं बताया है। इसलिए विकल्प को इसका सही उत्तर है। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है तो उसका आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। पहला है संगठन, दूसरा है सामान्य सिद्धांतों में सहमत, तीसरा है विदेशों द्वारा मान्यता, चौथा है संवैधानिक साधनों में विश्वास। जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो उसका अपना संगठन होता है, उसके जो सामान्य सिद्धांतों में उसकी सहमत भी होती है और संवैधानिक साधनों में वह विश्वास भी करता है, लेकिन विदेशों द्वारा मान्यता ये किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इस तरह से तो देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उन्हें जो है मान्यता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब तक विदेश उनको मान्यता नहीं देंगे तब तक ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर विकल्प ग, विदेशों द्वारा मान्यता राजनीतिक दल का आवश्यकता तो नहीं है। 44वां प्रश्न है, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। इसके विकल्प हैं राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना, दूसरा है भौतिक विकास के लिए कार्य करना, तीसरा धर्म की रक्षा करना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं तो प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह जो है अपने हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो उनके जो सदस्य हैं उनके हितों का विकास करना, उनकी रक्षा करना, उनको विकसित करना। तो यहाँ पर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना ये राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, भौतिक विकास करना भी नहीं होता है, और धर्म की रक्षा भी से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए विकल्प घ, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। तो इसकी व्याख्या दे सकते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। 45वां प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। इसके विकल्प हैं राष्ट्रीय हित, शक्ति का संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, सामूहिक सुरक्षा। इसका सही उत्तर है कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि सामूहिक सुरक्षा जो है वह सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित होता है। विकल्प ख इसका सही उत्तर है। 46वां प्रश्न है, किसने कहा कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। यानी कि अगर राष्ट्रीय हितों जो है शक्ति के रूप में परिभाषित कर रखे हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य तत्व कहलाए जाएंगे। इसके विकल्प हैं रॉबर्ट डहल, ईएच कार, मार्गेंथाउ, वुड्रो विल्सन। इसका सही उत्तर है हंस मार्गेंथाउ। यह परिभाषा शक्ति की जो है वह मार्गेंथाउ के द्वारा दी गई है। 47वां प्रश्न है, नैतिकता तथा व्यवस्थापना के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये पुस्तक अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। किसकी पुस्तक है। इसके विकल्प हैं जर्मी बेंथम, जे एस मिल, जे जे रूसो, प्लेटो। इसका सही उत्तर है जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ने एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। थोड़ा सा हिंदी में पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए पुस्तक का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में याद रखें। तो ये पुस्तक का नाम है 48वां प्रश्न है, आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है। इसके विकल्प हैं श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करना, दूसरा है पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना, तीसरा है मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करना, चौथा है समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना। जब हम आधुनिक उदारवाद की बात करते हैं तो आधुनिक उदारवाद समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने का लक्ष्य उसने रखा है। यहाँ पर विकल्प घ इसका सही उत्तर है। 49वां प्रश्न है, कथन और कारण का। कथन है, उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, क्योंकि कारण दिया है उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। जब हम कथन को देख रहे हैं तो वास्तव में उदारवाद चाहता है कि राज्य के काम कम से कम हो, राज्य केवल कानून और व्यवस्था तक अपने आप को सीमित करें, क्योंकि जितना व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से काम करेगा उतना ही उसका उद्धार होगा, उतना ही राज्य का भला होगा। तो इसने यहाँ पर जो कारण है
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर वह बल देता है, बिल्कुल सही है। राज्य के कार्य जितने सीमित होंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। 50वां और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का। प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये पूरा इसको एक साथ पढ़िएगा। वक्तव्यों का परिणाम होता है, यह किसका कथन है? फिर दोबारा मैं पढ़ रहा हूं इसको। प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है, यह किसका कथन है? इसके विकल्प हैं वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, एमपी फॉलेट। इसका सही उत्तर है हर्बर्ट साइमन। यह निर्णय के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है वह हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है। आज की इस प्रश्न पत्र में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का अध्ययन किया है। इससे पहले भी हमने कई अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। आप उन सभी अभ्यास प्रश्नों को देखिए और आगे भी हम इसी तरह से अभ्यास प्रश्न अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।